नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 109 बालू घाटों पर ई चालान हुआ बंद। राष्ट्रपति ने बिहार के विभूतियों को किया सम्मानित। पटना में वोटरों को मूवी टिकट पर मिलेगी 50% की छूट। एसएससी की परीक्षा में पिछले साल से कम आए आवेदन। शेफाली वर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राष्ट्रपति ने बिहार के विभूतियों को किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के विभूतियों को सम्मानित किया है। इन्होंने बिहार का मान बढ़ाया है। बिहार के अशोक कुमार विश्वास, सुरेंद्र किशोर और पंडित राम कुमार मलिक को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सुरेंद्र किशोर के बारे में बता दें कि वो प्रसिद्ध पत्रकार है और इधर पंडित राम कुमार मलिक 500 सालों से चल रही दरभंगा की ध्रुपद परंपरा के सबसे पुराने संगीतकारों में से एक कलाकार है। ये दरभंगा घराने के विख्यात संगीत परिवार से है। ये संगीत वंश की 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इधर अशोक कुमार संपन्न लोक कलाकार है। बिहार के 109 बालू घाटों पर ई चालान हुआ बंद। बिहार में बालू घाटों के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने 109 बालू घाटों का ई चालान बंद कर दिया है। दरअसल खान एवं भूतत्व विभाग में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की शुरुआत की गई है और इसमें 109 बालू घाटों का सीसीटीवी फुटेज लाइव नहीं पाया गया और इस कारण से इन बालू घाटों का ई चालान तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार इन बालू घाटों के लाइव सीसीटीवी फुटेज मिलना शुरू हो जाने के बाद चालान जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मालूम हो कि पहले नीलाम हो चुके बालू घाटों के बंदोबस्तधारियों को ही घाट पर सीसीटीवी लगाने का जिम्मा दिया गया है। पुलिस ने फर्जी चेक बनाने वाले गिरोह का किया खुलासा। साइबर पुलिस ने फर्जी चेक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पटना के अगमकुआं से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पटना में बैठकर चेक तैयार करने वाले 32 साल के मुजाहिद वारसी को पुलिस ने DIU टीम की मदद से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शातिर नालंदा जिले के इस्लामपुर का रहने वाला है। इसके पास से कई आपत्तिजनक सामान को बरामद किया गया है। ये शातिर बदमाश तैयारी के साथ चेक का क्लोन तैयार करते थे। चेक को ये इतने बारीकी के साथ तैयार करते थे कि बैंक के अधिकारी भी इस कारण धोखा खा जाते थे। दरअसल फर्जी तरीके से इन्होंने पीड़ित के खाते से पैसों की निकासी की थी। बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के आधे से अधिक पद खाली। बिहार के विश्वविद्यालयों ने हाल ही में राजभवन को इस बात की जानकारी दी है कि यहाँ के यूनिवर्सिटीज में आधे से अधिक पद खाली है। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर नियमित शिक्षक कार्यरत नहीं है। यूनिवर्सिटी के कुलपतियों ने जानकारी दी है कि जिन विषयों के शिक्षक नहीं है वहाँ पर अतिथि शिक्षकों के द्वारा कक्षा का संचालन किया जाता है। अतिथि शिक्षकों के भुगतान के लिए लंबे समय से शिक्षा विभाग के द्वारा राशि नहीं देने की शिकायत कई लोगों ने की है। वहीं मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातक के शिक्षक ही स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक के पद की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी तरीके से बहाल 8 लैब टेक्नीशियन के खिलाफ की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी तरीके से बहाल 8 लैब टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई की है। इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। साथ ही इनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार लैब टेक्नीशियन की बहाली फर्जी लेटर निकालकर साल 2022 में की गई थी और उसके बाद ही ये लोग नौकरी कर रहे थे। साथ ही ड्यूटी पर भी ये लोग तभी से आ रहे थे, लेकिन वेतन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर देने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। इस संबंध में मुंगेर के सिविल सर्जन विनोद कुमार सिन्हा ने लेटर जारी किया है। साथ ही CS के आदेश पर PSC अधिकारी ने संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। LNMI में इंटीग्रेटेड MBA और MCA कोर्स की हुई शुरुआत। ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में दाखिले के लिए अधिसूचना को जारी किया गया। इस बार संस्थान ने दो नए कोर्स को शुरू किया है। अब छात्र इंटीग्रेटेड MBA और MCA कर सकते हैं। BBA के साथ ही MBA में नामांकन का छात्रों को मौका दिया जाएगा। BBA करने वाले छात्र MCA कर सकते हैं। इनकी भी डिग्री 5 साल के लिए होगी। दोनों ही कोर्स में 60-60 सीटें निर्धारित की गई है। इसके लिए आवेदन वेबसाइट www.inmipat.ac.in पर आज कर सकते हैं। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। पटना में वोटरों को मूवी टिकट पर मिलेगी 50% की छूट।
पटना में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। यहाँ सभी सिनेमा घरों में मूवी टिकट पर 50% की छूट मिलेगी। 1 और 2 जून को सभी शो की मूवी टिकट पर 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी और सभी सिनेमा घर के मालिकों के साथ हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। मालूम हो कि यहां पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। इसे लेकर लोगों में खुशी की लहर है। बिहार के 2 पोलिंग बूथ पर शुरू हुआ पुनर्मतदान। लोकसभा चुनाव के मतदान के दौरान मिली अनियमितता की शिकायत के बाद बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र के 2 मतदान केंद्र पर आज सुबह पुनर्मतदान करवाया जा रहा है। यहां पर 7 मई को तृतीय चरण के मतदान होने थे, लेकिन असामाजिक तत्वों ने बूथ में तोड़फोड़ की थी और ईवीएम को क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग ने पुनर्मतदान कराए जाने का आदेश दिया है और उसके बाद आज सुबह 7 बजे से पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में जानकारी दी है, साथ ही बताया कि यहां पुनर्मतदान शुरू हो चुका है। SSC की परीक्षा में पिछले साल से आए कम आवेदन। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षा में पिछले साल की तुलना में 1 लाख से कम आवेदन आए हैं। इस बार दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि SSC, BSF, CRPF, IBP व SSB में सब इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए देश भर में 7,34,157 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जानकारी के अनुसार पद बढ़ने के बाद भी अभ्यर्थियों की संख्या में कमी हुई है। साल 2022 में 4,300 पदों पर आई भर्ती के लिए 7,50,000 अभ्यर्थियों ने दावेदारी की थी। बिहार में ठनके ने ली 8 और लोगों की जान। बिहार में ठनके की चपेट में आकर आधा दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई है। आपदा विभाग ने लोगों को इसे लेकर अलर्ट किया है। आपको बता दें कि बिहार में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन इस मौसम में आसमान से आफत बनकर बिजली लोगों पर गिर रही है। पिछले 3 दिनों में करीब 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई है, दर्जनों लोग झुलस गए। गुरुवार को ठनका के कारण पूरे बिहार में 10 लोगों की जान चली गई है। आपदा विभाग ने ठनका को लेकर सभी से सतर्क रहने की अपील की है। काराकाट में पवन सिंह ने जनता की सेवा करने का किया दावा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ उनकी मां और पत्नी ज्योति सिंह मौजूद रही। पवन सिंह को देखते हुए भीड़ उत्साहित दिखी। इन्होंने उपस्थित जनसभा का आभार जताया और भोजपुरी में पवन सिंह ने कहा कि कुछ लोग कहत बानी कि पवनवा एने चल जाए ओने चल जाए, लेकिन पवनवा अब कहीं जाए वाला नहीं खे। काराकाट का बेटा है अजय, सबके सेवा करी। पवन सिंह ने कहा है कि गरीबों की बेटियों के पढ़ाई से लेकर शादी का खर्चा पवन सिंह करेगा, बुजुर्गों को बढ़ाकर पेंशन देगा। नरेंद्र मोदी के रोड शो के पहले महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का पटना में होगा महाजुटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के पहले पटना में महागठबंधन के शीर्ष नेताओं का जुटान होने वाला है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बिहार में दूसरा चुनावी दौरा होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद 11 से 13 मई के बीच बिहार पहुंच सकते हैं। यहां पर वो 3 दिन का सभा करेंगे। कहा जा रहा है कि जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी बिहार में चुनावी जनसभा होना है। इधर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी और भाकपा माले के महासचिव दीपशंकर भट्टाचार्य के साथ पटना में मीडिया को संबोधित करेंगे। बिहार में NDA की जीत को लेकर प्रशांत किशोर ने दिया बयान। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, ये तो बिहार का पूरा बच्चा बच्चा जानता है, मगर ठीक उतना ही बड़ा पलटीमार भाजपा वाले भी है। बिहार में आज से कुछ महीने पहले अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा समय में मजाक क्या हो रहा है। बिहार की आज ये दुर्दशा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि 40 सांसदों का लालच केंद्र के नेताओं को है। बिहार की दुर्गति का कारण आज 40 सांसद बन गया है। बिहार में 40 सांसदों के लालच में आज देश में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की हो, किसी भी हद पार करने को तैयार है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला।
लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव हार के डर से बौखला गए हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जैसे जैसे चुनावी चरण आगे बढ़ रहा है, तेजस्वी यादव और महागठबंधन को चुनावी हार का फीडबैक मिलने लगा है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव बौखला चुके हैं। तेजस्वी यादव के आक्रामक अंदाज पर तंज कसते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि ये साल 2014 के नतीजों को शायद भूल चुके हैं और इस बार हो रहे चुनाव के फीडबैक से ही ये परेशान दिख रहे हैं। शेफाली वर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धक्कड़ बैटर शेफाली वर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 5वें टी20 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सलहत में अपने इंटरनेशनल करियर का 100वां मैच खेला है। इसी दौरान इन्होंने मैदान पर कदम रखते ही महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही इनके नाम पर विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5-0 से हरा दिया। शेफाली इस मैदान में भारतीय मेंस क्रिकेट और महिला क्रिकेट में सबसे कम उम्र में 100वां इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली प्लेयर बन चुकी है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, भारत और किस देश के बीच 5वां संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक हुई है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका सही उत्तर है भूटान। इनमें से किस देश ने भारत की अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ 20 साल का बिजली समझौता किया है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? सही उत्तर है श्रीलंका। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई? सही उत्तर है 8 मई। पेटीएम के संस्थापक कौन है, विजय शेखर शर्मा, अभिषेक शर्मा, शेखर शर्मा, अनिल शर्मा? सही जवाब है विजय शेखर शर्मा। वेस्ट नाइल बुखार किसके कारण फैलता है, गंदगी, मच्छर, दूषित पानी या वेरिसेला जोस्टर वायरस? सही उत्तर है मच्छर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रवि कुमार राम, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार सिंह, अनवर करीम खान, नौशाद राजा, राकेश कुमार, मोहम्मद शकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, अब्दुल मजीद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके इलाके में क्या मौसम में बदलाव हुआ है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।